हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस मैं उठ गई थी, उठ के सुबह झाड़ू लगाई है पूरे घर की ऊपर से नीचे तक। और बस कहते हैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया है, बच्चों का आज है एग्ज़ाम, तो बस कहते हैं बच्चों को दिया है और इन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, दोनों रेडी हैं और ये पढ़ रहा है यहाँ पे। दिव्यांश से हेलो। तो बस कहते हैं ये पढ़ रहा है और अब मैं अपना कोरिएंडर डिटॉक्स वाटर रेडी कर रही हूँ, बस वो पीऊँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी और बस फिर नहाने जाऊँगी। उसके बाद देखते हैं लंच और ब्रेकफास्ट में क्या रहता है। बच्चों का तो ब्रेकफास्ट बना रहे मले हो गया है, क्योंकि रात की दाल रखी थी, एक कटोरी बची थी, तो बस उसी को मैंने आटे में मारकर उसके पराठे बना दिए हैं खस्ता करके, तो बच्चों ने वही खाया है और हस्बैंड भी वही नाश्ता कर लेंगे। अब देखो कि नाश्ता में, और नाश्ता तो नहीं बनेगा, लंच में क्या बनता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नहाने के बाद, बाय। बस गाइस ये जा रहे हैं स्कूल, बाय। बाय। ये बैठे हैं पोलो गोलू मिले छोटा बच्चे छोटा चा बाबू। सो गाइस बच्चे चले गए हैं स्कूल और बस अब मैं अपना ये रखा है मेरा पानी, तो बस अब मैं ये पीऊँगी डिटॉक्स वाटर और फिर लगाऊंगी पोछा। और गाइस मैं हो गई हूँ अब काम से फ्री और बजे हैं 11:30, बच्चे भी आ गए हैं और बस मैं लेटी उठ लेते हैं और बच्चे कहते हैं खाना खा रहे हैं, क्योंकि स्कूल से आके भूख लगने लगती है बच्चों को, तो बस बच्चे खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। A few moments later. और गाइस थोड़ी देर हम सो गए थे और अभी बजे हैं 3:30, तो बच्चे जा रहे हैं कोचिंग। बस बच्चे हो गए थे कोचिंग के लिए रेडी, तो बस इसका थोड़ा सा मूड अपसेट था, इसको जाना नहीं था, लेकिन मैं भेज रही थी, मैंने कहा नहीं जाओ तो बात नहीं कर रहा था। और बस जीत अपनी बुक्स लगा रहा है बैग, देख बैग में रखने के लिए कि आज कौन सा बैच है कौन सा नहीं है। सो बस बच्चों के बैग लग रहे हैं, बच्चे कहते हैं जाने वाले। दूसरा बच्चा ये देखो ये हैरान परेशान, ये भी रेडी हो चुका है। गाइस बस ये लोग जा रहे हैं और गाइस देखिए मेरी तुलसा जी हैं, जो कि इस घर में आके बिल्कुल मुरझा गई थी, तो बस ये एक नया प्लांट है जो कि उग रहा है और नीचे छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये और ये, तो नए कहते हैं प्लांट्स हो रहे हैं तुलसा जी के। ये जो मैंने झरोका बनाया था वो भी यहाँ पे बालकनी में लगा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस बच्चे जैसे ही गए थे तो बस उनकी ड्रेस वगैरह और उनके कपड़े थे, तो बस वो मैंने डाले थे मशीन में, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं मशीन में तभी लगाती हूँ, क्योंकि फिर उनकी ड्रेस रह जाती है, तो बस यहाँ पर मैं मशीन लगा दूँगी और 1 घंटे में धुल जाते हैं कपड़े। बस फिर घर के छोटे छोटे काम जैसे टॉवल्स फोल्ड करना एंड ऑल, वैसे तो सारा काम हो रखा था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत काम निकल ही आते हैं, घर है ये तो घर में कहते हैं कुछ ना कुछ तो दिखता ही रहता है, तो बस मैंने सोचा फ़ोल्ड कर दूं, क्योंकि अभी कपड़े धुल जाएंगे तो फिर मुझे फैलाने के लिए स्पेस चाहिए, तो तब मुझे फ़ोल्ड करनी पड़ेंगी टॉवल, तो फिर बेड पर पड़ी रहेंगी, इस वजह से मैंने भी बना दी।
टॉवल वगैरह थी सुबह से खरीदी थी। आज कपड़े स्टैंड फर्स्ट टाइम पूरी बार खाली हुआ है, वरना एक स्लॉट धुलता है, एक लॉट के कहते हैं फिर से आ जाता है, एक लॉट धुलता है एक लॉट फिर से आ जाता है, तो बस यही चल रहा था। तो आज कहते सारे कपड़े धुल चुके थे फैल चुके थे। कल था कोल्ड भी हो गए थे, तो बस अब फिर से लगाइए मशीन, फिर से फैलाऊंगी। और आज कुछ काम है नहीं, क्या सोच रही हूँ, क्योंकि सारा सब कुछ काम कहते हैं हो चुका है। बर्तन भी मैंने सुबह ही धो के रख दिए थे, और दोपहर के भी कुछ थे नहीं, क्योंकि लंच में आलू के पराठे बनाए थे, बच्चों ने अचार से खाए थे, तो कुछ भी ऐसा है नहीं। तो अब सोच रहे हैं कि क्या करें, कुछ काम ही नहीं है। देखिए सब साफ है, पूरा सब कुछ क्लीन है, सफाई भी हो रखी है सारी, और सब कुछ के कहते हैं ये नीचे मैंने कपड़ा डाल रखा है पोंछने के लिए, भी मैट नहीं है मेरे पास यहाँ पे। बर्तन भी धुल गए थे, बस इतने से ही बर्तन पड़े हैं दोपहर के खाने के जितने भी थे, और सब कुछ कहते हैं क्लीन है। और नमक की थैली रखी हुई है, वो मुझे कहते हैं भी फिल करनी है, क्योंकि मैंने नमक का जार धो के रखा है, तो बस ये सूख जाएगा तभी धो के रखूँगी। और सब कुछ क्लीन है। बस फिर मैं किचन में आई और मेरी ग्रीन टी का टाइम हो गया था, तो बस मैं यहाँ पे अपने लिए ग्रीन टी बनाऊंगी। और मैं यूज़ करती हूँ कैमोमाइल ग्रीन टी, ऑर्गेनिक है, तो बस ये कैमोमाइल में ग्रीन टी पीऊँगी। बनाने के बाद इसको 5 मिनट्स ढक कर रख देना चाहिए। फिर मैं नीचे आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, तो बस कहते हैं यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, पहले बर्तन धोऊँगी और फिर पूजा करूँगी। और नीचे जाकर देखा कि लाइट्स ऑन करना भूल गई, शाम हो गई थी, तो बस नीचे लाइट्स ऑन करने आई हूँ, सब अंधेरा हो गया था और ऊपर रह के पता ही नहीं चला कि अंधेरा हो गया है। यहाँ जार रख दिया था टेबल पर हवा में सूखने के लिए। मैंने यहाँ पे अपनी एंजॉय करी ग्रीन टी, और मैंने रैबिट्स को खोल दिया था, इसलिए आप देख रहे होंगे सारे दरवाजे बंद हैं, क्योंकि इधर उधर भागते हैं। और देखिए ये कितनी क्यूट हरकतें कर रहा था ये उस दिन, और इतना प्यारा लग रहा था। वैसे ही ये कहते हैं बैठकर अपने इचिंग करता है, अपने इसको सफाई जो भी करनी होती है, लेकिन उस दिन तो ये पता है क्या कर रहा था, ऐसे लेटकर बहुत देर तक ये करता रहा, इतना क्यूट लग रहा था। देखिए आप इसकी क्यूट हरकतें इतनी प्यारी लग रही थी कि उसमें क्या बताऊँ। किसी की क्यूट कहते हैं आते जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा टाटा, गुड नाइट एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।